हे फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके पास कोई 12 आ जाता है ओरिजिनल एलसीडी में, तो आपको उसकी ट्रू टोन कैसे कॉपी करनी है। तो पहले हम 11 प्रो मैक्स तक तो सब सेटों में ट्रू टोन कॉपी कर रहे थे, बट अभी जेसी ने एक नया पत्ता निकाल दिया है जिससे हम 12 की ओरिजिनल एलसीडी में भी ट्रू टोन डाल सकते हैं। और ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस से हम 12 और 12 प्रो में ट्रू टोन डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक 12 प्रो आया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन में। प्रोटोन नहीं है, देखो फ्रेंड्स। तो आज हम टेस्ट करेंगे कि हम जेसी V1S के जो नया स्ट्रिप आया है उससे हम प्रोटोन को कैसे कॉपी करके अपने सेट में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अभी पहले हम अपनी एलसीडी को रिमूव कर लेते हैं। तो LCD को रिमूव करने के बाद हम इस LCD को V1S के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले अपनी डिस्प्ले को, हमारे दो पत्ते होते हैं, एक LCD वाला होता है, एक टच वाला होता है, तो हम दोनों को अपने V1S से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद हम अपने V1S को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा V1S का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और अभी हमने रिपेयर फिटिंग में जाना है। रिपेयर फिटिंग में जाने के बाद जब हम ये ऑप्शन को खोल लेंगे तो यहाँ कनेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी। तो हमने जैसे ही अपने कनेक्ट का बटन दबाया तो ये देखिए, ये हमारी सारी ऑप्शंस खुल गई हैं। तो हमने पहले करना है रीड डाटा। तो ये देखिए, जैसे ही हमने रीड डाटा किया तो यहाँ सारे अपने डिस्प्ले का डाटा आ चुका है। तो जैसे ही हमारा ये सारा डाटा खुल गया है, उसके बाद आपने करना क्या है, ये हमारा टच आईसी MTSN नंबर है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये जो हमारा डिस्प्ले आईसी ट्रूटोन है वहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है। ये देखिए, अभी हमने पेस्ट किया। तो पेस्ट करने के बाद आप इसको राइट कर दो, राइट टिक ऑप्शन करोगे तो ये देखिए, यहाँ ये आपसे पूछेगा, चिप डाटा विल बी कवर्ड, विल यू कंटिन्यू। तो आपने यहाँ पे यस को क्लिक करना है। जैसे ही आप यस को क्लिक करोगे तो ये देखिए, हमारी डिस्प्ले में ये सारा डाटा राइट हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ लिखा आ गया, द ओरिजिनल कलर डाटा इज बींग रिटन। तो ये होने के बाद आप अपने, हाँ अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगी ओरिजिनल कलर डाटा राइटिंग कंप्लीटेड। और जैसे ही यहाँ कंप्लीटेड होता है तो उस टाइम पे आप अपनी LCD को V1S से रिमूव कर लो। तो रिमूव करने के बाद हम अभी अपनी LCD को मोबाइल पे लेके जाते हैं और अभी अपने मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा ट्रू टोन आया या नहीं आया। तो होपफुली ट्रू टोन आ ही चुका होगा। तो हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो अभी पहले हम पासवर्ड लगा के इसको खोलते हैं और फिर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी सेट में ट्रू टोन आ चुका है। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास भी कस्टमर आता है कि आपने उसने 12 का ट्रू टोन करवाना है, तो आप इस प्रोसेस से अपने 12 प्रो में ट्रू टोन डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।